हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्पर्सल क्या होता है। डिस्पर्सल मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्क्रेटिंग ऑफ द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट आपका जो भी होगा उससे सीड्स कैसे निकलेगा और नया न्यू बेबी प्लांट बनेगा। मतलब कि पेरेंट प्लांट मतलब जो एक नया एडल्ट प्लांट है, बड़ा प्लांट जो भी है, उससे नया सीड्स कैसे बाहर आएगा और किस तरीके से न्यू बेबी प्लांट जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं, एक विंड से, वाटर से, एनिमल से, एक्सप्लोशंस। जब भी कोई बेबी प्लांट होता है तो वो या हवा के थ्रू जो उसकी सीड्स है वो कहीं उड़ के चले जाती है, ठीक है, या वाटर के थ्रू बह के चले जाती है, या एनिमल जो बर्ड्स होते हैं ज़्यादातर वो उसको खाते हैं और खाने के बाद वो कहीं और उसके जो सीड्स है वो उसको छोड़ देते हैं, या उस कारण हो जाती है, या एक्सप्लोजन। जैसे हम मटर की फली हम देखते हैं, मटर की फली एक्सप्लो हो जाती है, एक्सप्लोशन हो जाता है, उसमें फूट जाती है और उसके दाने बिखर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइन में क्या होता है कि जब हवा चलती है तो कोई भी प्लांट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर वाइन से क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सबसे लाइट, इसमें सबसे लाइट सीड्स जो होते हैं वो उड़ जाते हैं और उड़ने के बाद वो न्यू प्लेसेस में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? न्यू प्लेसेस में चले जाते हैं। और इसके एग्जांपल जो होते हैं ऑर्चिड, डेंडेलियन और मिल्कवेड, ये तीन एग्जांपल इसके दिए हैं जिसमें ये एयर के थ्रू उड़ के दूसरे चले जाते हैं और न्यू बेबी प्लांट जो है वो बन जाता है। सेकंड चीज़ हम देखते हैं वाटर के थ्रू, जब ज़्यादा बारिश आती है या नॉर्मल बारिश आती है और ये सीड्स जो है वो बहुत लाइट रहते हैं और ये पानी में बह के न्यू प्लेसेस में चले जाते हैं, न्यू प्लेसेस में चले जाते हैं और वहाँ पे न्यू प्लेसेस में जाने के बाद वो फिर से बेबी प्लांट बन जाते हैं। बेबी प्लांट बनने के बाद वो वापस से यंग हो जाते हैं। तो इसके जो एग्जांपल हमने दिए हैं लिली और लोटस। अब हम तीसरा एक और एग्जांपल है हमारे पास एनिमल के थ्रू। एनिमल के थ्रू जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जो मीठे फल होते हैं, जिसको एनिमल्स बर्ड्स ज़्यादा पसंद करते हैं। हम यहाँ बर्ड के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, वैसे एनिमल्स है। हम जूसी फ्रूट्स जो ज़्यादा मीठे होते हैं, जो जानवरों को ज़्यादा पसंद होते हैं, पक्षियों को ज़्यादा पसंद होते हैं, वो उसको उठा के दूसरी जगह ले जा लेते हैं और वहाँ पे वो डाल पे बैठ के खाते हैं और डाल पे बैठने के बाद वहाँ जो सीड्स है वो वहीं नीचे गिरा देंगे, जहाँ वो जिस डाल के ऊपर बैठेंगे यहाँ खा रहे हैं और यहाँ वो नीचे उन्होंने सीड गिरा दिए। अब क्या होगा कि इसके ऊपर धीरे धीरे रूट आ जाएगी, सॉइल है, सॉइल इसके ऊपर धीरे धीरे पानी और एयर आएगा तो वापस से इसमें न्यू रूट्स जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे बेबी प्लांट फिर से बन जाएगा। तो इसके जो एग्जांपल दिए हैं वो ब्लैकबेरी और चेरी के एग्जांपल है। अब हमारा एक्सप्लोजन वाला एक एग्जांपल है जिसमें हमारी फलियाँ जो होती है, मटर की फलियाँ, वो जब पूरी तरीके से बन जाती है उसके बाद वो पॉट्स के अंदर एक्सप्लोड हो जाता है, जो उसकी फलियाँ बनती है उसको पॉट्स के अंदर एक्सप्लोड हो जाता है और पूरी हमारी फलियाँ जो है वो ज़मीन पे गिर जाती। और ज़मीन पे गिरने के बाद क्या होगा कि एयर और वाटर के साथ ये वापस से फिर न्यू बेबी प्लांट जनरेट हो जाएंगे। एयर और वाटर उसको मिलेगा, प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा, प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, तो यहाँ पे वो नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। वैसे ही हमने देखा कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, हमने वाइंड, वाटर, एनिमल और एक्सप्लोजन इतनी से हमने समझा है कि किस किस चीज़ों से नया बेबी प्लांट जनरेट होता है, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? लार्ज स्केल ऑफ फूड और अदर पर्पस, लार्ज स्केल ऑन
लार्ज स्केल फॉर फूड, लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पस। कोई भी क्रॉप हम लगाते हैं लार्ज स्केल में या कुछ अदर पर्पस के लिए, तो वो होती क्रॉप। और इसकी जो प्रैक्टिस करता है, जो इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करता है, जो इसको रेगुलर उगाता है, उसको हम वर्क को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर डिफरेंस क्रॉप नीडेड डिफरेंट क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन, सॉइल कंडीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है, सॉइल कंडीशन के ऊपर। सॉइल कंडीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है एग्रीकल्चर। इसीलिए डिपेंड होता है क्योंकि सॉइल कंडीशन अगर ख़राब होगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं होगा, और सॉइल कंडीशन अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं रबी और रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप जो होता है नवंबर से अप्रैल के बीच में हम उसको बोते हैं, और खरीफ क्रॉप को हम जून से अक्टूबर के बीच में बोते हैं। अब रबी क्रॉप हमारी कौन कौन से हो जाती है? कल्ली फ्लावर, कैबेज, बीन्स। और खरीफ फसल हमारी हो जाती है माइस, पम्पकिन, ब्रिंजर। मतलब ये रबी और खरीफ हम सीज़न के वाइज से डिवाइड करके रखे हैं कि नवंबर टू अप्रैल एंड जून टू अक्टूबर। अब हम देखते हैं इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, हम इंक्रीज कैसे करें, क्रॉप को हम इंक्रीज कैसे करें। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि खेती में हम ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे हैं? अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, नाइट्रेट और सल्फर। ये सब डालने के बाद क्या होता है कि एक सीज़न दो सीज़न में हमारी ज़मीन अच्छी रहती है। ठीक, उसके बाद फिर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होने लग जाती है। हमें क्या करना है कि नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे हमारा गोबर का खाद हो गया, गोबर खाद हो गया, ठीक है, या हमारा केचुआ खाद हो गया। ठीक है, ये हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है, इसे हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। इन चीज़ों से इंक्रीज़ नहीं होगी, कुछ समय के लिए इंक्रीज़ होगी पर आगे चल कर ये डिक्रीज़ होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी है कि जो अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, नाइट्रेट और सल्फर हम डालते हैं उससे हमारी प्रोडक्टिविटी कुछ समय के लिए बढ़ती है लेकिन फिर घटना चालू हो जाती है। नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है गोबर खाद या केचुआ ये हम डालेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब हमको इसके बाद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेज टू इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन। हमको जो क्रॉप की ग्रोथ है वो इंक्रीज़ करना है और प्रोडक्शन अच्छी करना है तो हमें इतने सारे पॉइंट हमको देखने पड़ेंगे। इतने पॉइंट में क्या क्या है कि प्रिपेयर सॉइल, हमको पहले से सॉइल प्रिपेयर करना है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से चले जाए, वाटर अच्छे से चले जाए। हमको कुछ समय पहले से प्रिपेयर सॉइल करके रखना है खेती करने से पहले तक। गुड वैरायटी ऑफ सीड्स, जो भी गुड वैरायटी होगी वही सीड को हमको उपयोग करना है। अच्छी वैरायटी यूज़ करेंगे तो अच्छा हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अब राइट अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल में राइट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए है, ठीक है, वो हमें राइट अमाउंट में ही रखना है। या तो हम अगर ज़्यादा रख लेंगे या कम रख लेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन में चली जाएगी। ठीक है, प्रोटेक्ट फॉर हार्मफुल इंसेक्ट्स, जितने भी हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स है उनसे हमको बचा के रखना है हमारा जो लैंड है, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो बहुत सारा हमारा नुकसान कर देंगे। ठीक, इसके बाद ग्रासिंग एनिमल जो होते हैं, काऊ जो होते हैं वो ज़्यादातर खेतों में चले जाते हैं और हमारे जो खेत रहते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो ग्रासिंग एनिमल है वो हमारे लैंड में नहीं आ पाया। ठीक है, अब हमारी खेती होने के बाद उसको काटने का जब समय आता है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से हार्वेस्ट करें, मतलब हर चीज़ हम अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें और अच्छे से कटवाएं। कटवाने के बाद हम उसको ऐसी जगह पर डंप करें जहाँ मॉइस्चर कम हो, जर्म नहीं हो और एनिमल से दूर। तो हमने जितना भी क्रॉप लाया है खेत से उसको हम प्रॉपर तरीके से अगर हम करके रखते हैं अच्छे से तो वो ज़्यादा समय तक भी चल सकता है और अच्छे रेट दे सकता है। कहीं अगर उसमें जर्म्स या कुछ
इंसेक्टिसाइड उसमें लग गए तो फिर उसके रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसीलिए हमें अच्छे से हार्वेस्ट करना है, अच्छे से हमें रखना है और एनिमल्स हमको दूर रखना ताकि हमें इसकी अच्छे से अच्छी कॉस्ट मिले। ठीक है, ये हमारा हो गया इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, हमको कैसे करना है, हमको क्या डालना है क्या नहीं डालना है और हमको सेफ्टी यूज़ हमारे क्या क्या है, ये चीज़ हमने आज यहाँ पे देख लिया है।